ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 30 दिनों से NCR, NRC, CAA और इन सब की वजह से, जो सरकार ने एक कानून लागू किया है, इस कानून में उन्होंने संसद में 33% वोट के वजह से चुनी हुई सरकार ने एक कानून ऐसा ला दिया जिसमें 77% लोग जिसके खिलाफ खड़े हैं। और 77% लोग इसलिए खिलाफ खड़े हैं क्योंकि ये नागरिकता बिल्कुल ही गलत तरीके से इसको अप्लीकेबल किया जा रहा है। CAA एक ऐसी नागरिकता है जो आसाम में फेलियर जो हुआ है, NRC लागू करने बस 19 लाखों का नाम लोगों का नाम आया NRC में, जिसमें 15 लाख लोग जो कि हिंदुज़म में थे और 4 लाख लोग जो मुस्लिम हैं, इसीलिए वो CAA लेके आए कन्वर्ट करके कि जो 15 लाख हिंदू थे उनको हम नागरिकता दे देंगे CAA के तहत, और जो 4 लाख बचेंगे उनके लिए डिटेंशन कैंप है। जबकि ये धर्म और जाति के तौर पे एक नागरिकता प्रदान करने की बात की जा रही है जो कि बिल्कुल गलत है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। लोगों में एक अलग सी मोहब्बत जाग उठी है दूसरे देशों के हिंदू लोगों के बीच में, जो कि ये नहीं होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका एक देश है और उसको एक देश में लेके चलना पड़ा, यूनिटी। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उत्पीड़न हो रहा है इसलिए लोगों को हम लेके आएंगे। पहले तो आप बात करते कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया हमारे देश में, तो आप और लोगों को लाने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप लोगों को निकालना ही है तो जो गैर तरीके से आ निकले हैं उनका जांच करिए। सिर्फ उन 3% लोगों को तकलीफ होना चाहिए जो कि इस देश में वैध तरीके से है, ये नहीं ना 97% लोगों को लाइन में लगा के आप क्यों देखोगे? और रही बात कागज़ दिखाने की, तो हम अपनी नागरिकता कागज़ दिखा के क्यों प्रूफ करें? आप हमसे कौन होते हैं मांगने वाले कि आप कागज़ दिखाओ? हम एक तरीके से हैं, हम एक नागरिक इस देश के, हमने बहुत सारे प्रूफ दे के रखे हुए हैं। अब फिर आप अचानक से बोल रहे हैं NRC और SCA एक लीथल कॉम्बिनेशन है जो कि सरकार को ये नहीं लागू करना चाहिए। अभी इन्होंने कल से एक नया कानून ला दिया कि 3 महीने तक कोई प्रोटेस्ट करते या किसी तरह पाया गया उसको जेल के अंदर डाल देंगे 10 दिन तक। तो चलिए हम इसके लिए भी तैयार है, हमने 1942 में बाद आंदोलन में जेल भरो आंदोलन भी किया, तो हम फिर से करेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार को, गृह मंत्री को ये सोचना चाहिए, एक तड़ीपार जो गृह मंत्री हमारे बन के रखे हुए, वो एक काला कानून ऐसा ला रहे देश में विभाजन की तरफ जा रहा है। अगर वो आज नहीं समझे तो वो एक तरीके का समझिए तो गृह युद्ध की तरफ बढ़ाया जा रहा है इस देश को। मुसलमान यहाँ 30 करोड़ से ज़्यादा है, सिर्फ ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, आज मुसलमान जो सड़क पे उनके साथ साथ इतने हिंदू भाई खड़े हैं वो क्या इस देश के नहीं है? उनको पता है इसका नुकसान क्या है। सिर्फ एक RSS की मानसिकता है जो कि इस देश में अप्लीकेबल करने की तैयारी की जा रही है और कोई नहीं। हिंदू राष्ट्र क्या होता है? एक देश जहाँ मेजोरिटी 70% हिंदुज़म है, 30% माइनॉरिटी, 20% मुसलमान है, मुसलमान और हिंदू मिल के जो 100% मिले हुए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम माइनॉरिटी अलग कर दें? कैसे अलग कर देंगे आप माइनॉरिटी? कहने वाले कह रहे हैं कि हम आपके लिए 51 देश बने हुए मुसलमानों के लिए, आप वहाँ जाइए। हम वहाँ क्यों जाए? हमारा हक यहाँ पे, हिंदुस्तान हमारा है। आप बाहर से आर्यभट्ट के तौर के हैं, फ्रांसिस आए हैं, आप लोग जाइए। यहाँ पे हिंदुस्तान में आपका कोई अधिकार नहीं कहने के लिए कि तुम गैर हो। हम इस देश में पहले से थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अगर आपको बहुत सवाल करना है आइए हमसे तर्क करिए, शाहीन बाग में हम आपका जवाब देने के लिए खड़े हैं। आप डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस से आपका जवाब सवाल होता है। आपने JNU में जाके पीटा, जामिया में जाके पीटा, अलीगढ़ में जाके पीटा, मारिए। मारने से कोई डरा नहीं है, हम न डरने वाले हैं। आप मारेंगे जितना हमको मारेंगे, उतना सामने खिल कर आएंगे। एक बात और, सिर्फ सरकार को ये बात जानने की ज़रूरत है, इतने लोग विरोध कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न है तो आप बैठ के बात करिए। पहली बार किसी को देखा हमने अपनी सरकार में कि ये CAA के पक्ष में वो रैलियाँ करा रही है, उनके अंदर डर पैदा हो गया है कि ये सही हक पे लड़ रहे हैं। UNO इसमें दाखिल हो चुका है, बाहरी देशों में भी इसका विरोध किया जा रहा है। तो इतने लोग, अभी कल आपने सुना होगा शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हैं उनको कहा जा रहा है 500 रुपये 700। मैं यही कहने वाला हूँ इन लोगों से कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सोचिए। और ये तब तक बैठेंगी जब तक हम इनको CAA और NRC लेने पर वापस न कर दें। ये औरतों ने ही मुकाम छेड़ा है जो कि आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। शहजाद, ये भाई किसी को फ़र्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन जो औरतें यहाँ बैठ के कंटिन्यू सरकार के नाक में दम कर रखी है, इसीलिए उन्होंने कल से ये लगा दिया कि पुलिस जिसको भी पकड़ेगी वो 10 दिन के लिए अंदर, अगर 10 दिन पहले, और 10 दिन के अंदर कोई प्रूफ नहीं मिला, 3 महीने तो 12 महीने तक वो अंदर रहेगा। जबकि हक है सबका एक लॉयर रख के अपना कानून लड़ने के लिए, आप बेवजह किसी को अंदर डालेंगे तो हम लॉयर भी नहीं रह सकते। ये पूरी तरह से ये एक हिटलर का रूप पैदा कर चुके हैं मोदी गवर्नमेंट। खैर, एक काला कानून है, गृह मंत्री जो कि शिक्षित नहीं है, मोदी जी जो शिक्षित नहीं, उन्होंने अपनी डिग्री दिखाया, एक फ्रेश डिग्री थी, चमकता हुआ डिग्री, 25-30 साल पुराना डिग्री इतना चमकता हुआ मिल कैसे सकता है? खैर, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि देश का विभाजन की ओर न ले जाए,
हमें शांति से रहने दे। दूसरी जो समस्या है देश में, ये आर्थिक स्थिति इतना बुरा हाल हो रखा है, हम जबकि पाकिस्तान के कॉम्पिटिटर होकर बांग्लादेश और नेपाल से नीचे आ चुके हैं, उस पर ध्यान दें, ना कि ये फालतू की चीज़ों एनआरसी और सीए में पड़े। जब मोदी सरकार आई थी यहाँ, क्या कहते हैं, हुकूमत में, तो वो पहले वादा करी थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, उसके बाद हाँ हर साल की बात करी थी, और दूसरा क्या अच्छे दिन का वादा किया था, दूसरा 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आना था सारे आम पब्लिक को, तीसरा क्या था कि ब्लैक मनी का वो ला करके बांटेंगे, हाँ, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया और इतना बुरा हाल हो गया देश का, महंगाई बढ़ती जा रही है, जीडीपी नीचे गिरती जा रही है। अब इस मुद्दे को हटाने के लिए भाई, इस मुद्दे को हटाने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए उसके मतलब सोच को, हाँ, तो ये कर दिया एनपीआर और एनसीआर, ये सबसे क्या क्या है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की सबसे 2000 साल की सबसे रिकॉर्ड तोड़ ठंड में हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है, डटी हुई है, उस और गृह मंत्री के बयान के बाद और डट गई। क्यों डट गई मालूम है कि गृह मंत्री ने कहा था मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ये तड़ी पार आज बाहर से जेल से आने वाला, ये इसको पावर मिल गया और ये 125 करोड़ पब्लिक जो है इसको बना दी हमारी बदौलत, ये बन गया, तो ये जो है ना अकड़ दिखा रहे हैं कि हम क्या कहते हैं हटेंगे नहीं 1 इंच, अरे यार 125 करोड़ को हल्के में ले रहे हो, अरे तुम हटोगे तुम्हारी सारी पार्टी हटा देगी ये 125 करोड़। और दूसरी बात क्या है, हमारे दादी के वालिद जो है, हमारे दादी के वालिद स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने क्या कहते हैं 1000 एकड़ जमीन उनके पास थी, आज हम लोग को डाइवर्ट होकर के थोड़ा थोड़ा बचा, और उनके पास इतनी जमीन रहते हुए भी वो आम पब्लिक के लिए, आम आदमी यानी लंगर चलाते थे खाने पीने के लिए, अगर आज नहीं लड़ते आज़ादी की लड़ाई तो आज हम लोग भी कालर खड़ा करके और हमारे पास भी जायदाद होती, लेकिन हम लोग के पास अब बहुत थोड़ा बहुत बच गया है। बिहार से रहने वाला हूँ, आप पता कर लीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानी वीर अब्दुल हमीद और क्या कहते हैं वहीद अब्दुल वहीद रहमानी नाम से है, आप हमारे सहरसा जिला से बताएंगे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस दिन से गृह मंत्री बोले थे उस दिन से यहाँ की महिला और डट गई और उन्हें कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, और लोग ठंड में रात में और यहाँ आम पब्लिक खाने पिलाने के लिए जो है ना सब अपने जेब से, अभी कोई आ रहा है भाई चाय पिला दे रहा है अपने मर्जी से, और ये वो गोदी मीडिया जो है वो आकर के कह रही है, देखिए आप लोगों का काम है कि सही आवाज़ और सही न्यूज़ पहुँचाना यानी आम लोगों तक, आप ही नई आवाज़ आप लोग बनेंगे देश की। जो गोदी मीडिया पर मेरा एक लाइन ये कहना है कि वो तो हुकूमत की क्या कहते हैं, हाँ, वो नौकरानी है, उसको तो भाई उसकी मुखबरी करके ला करके हुकूमत को सुनाना है, तो उनकी उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है, हम चाहते हैं कि आप लोग आवाज़ को बुलंद करें, नई दिशा दें।